श्री शिवाय नमस्तु भीम। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने चतुर्थी तिथि का जो उपाय बताया है शमी पत्र वाला, उसे किस तरह से करना है, क्योंकि उस उपाय को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे, सुबह करना है या शाम में करना है। तो आज की वीडियो मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यही उपाय आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। यदि आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी है, किसी बीमारी से परेशान है, कष्ट है, काम नहीं बन रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि इस उपाय को अपार महालक्ष्मी की कृपा के लिए किया जाता है, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए किया जाता है, और किसी भी परेशानी से आप परेशान हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने चतुर्थी तिथि पे इस उपाय को करने के लिए बतलाया गया है। उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए ध्यान से स्क्रीन पर समझ लीजिएगा। स्क्रीन पर आप शमी पत्र देख रहे हो, आपको लेने हैं 9 शमी पत्र। कितने? 9 शमी पत्र चाहिए। एक दीपक चाहिए, चाहे आप आटे का ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, कोई सा भी आप दीपक ले सकते हो। इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हो या फिर सुबह के समय भी कर सकते हो, जैसा भी आपको समय मिल जाता है। ये जो आपको दीपक लेना है, ये मिट्टी आटे का ले सकते हो, गोल बाती लगा लीजिएगा। चाहें तो आप इसमें गाय का शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं, पतंजलि का देसी घी आता है, या तो वो डाल दीजिए, या घी नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो। अब करना क्या है, देखिए शमी पत्र को कभी भी भूल से भी गलती से उल्टा सीधा मत तोड़िएगा। ये जो आप डाल देख रहे हो जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, इस जो शमी पत्र को एक शमी पत्र कहा जाता है, तो इसी तरह के आपको कितने शमी पत्र लेने हैं, आपको लेने हैं 9 शमी पत्र। इस तरह से ही, मतलब डाल से ही तोड़ना है उसको। इसके बाद में आपको ले लेना है दीपक, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कोई सा भी दीपक ले सकते हो, परंतु दीपक आपका नया होना चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको जाना है प्रदोष काल में सुबह, जब भी आपको समय मिलता है। और इस उपाय को हम चतुर्थी तिथि के दिन ही करते हैं, जैसा कि 10 जनवरी के दिन, यानी कि आज के दिन चतुर्थी तिथि है, तो आज के दिन ही इस उपाय को किया जाएगा। अब जब आप शिव मंदिर चले जाते हैं, शिवलिंग के पास चले जाते हैं, तब आप सभी जानते होंगे, सभी भक्तों को पता होगा, शिवलिंग का जो राइट भाग होता है, स्क्रीन पर मैं मार्क वगैरह सब कुछ कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जो राइट भाग होता है जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो जो शिवलिंग का राइट भाग होता है, ठीक है, ये जो आपको एरो से दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कितने शमी पत्र चढ़ाने हैं, 5 शमी पत्र चढ़ाने हैं। और पूरे उपाय में जो गणेश जी का सबसे सुंदर नाम है, मोरध्वज नाम है, उस मोरध्वज नाम का आपको स्मरण करते रहना है, और मन ही मन आपकी जो भी मनोकामना होगी उसको भी जरूर बोलना है। तो गणेश जी के स्थान पे कितने शमी पत्र चढ़ाएंगे आप, 5 शमी पत्र चढ़ाएंगे। 5 शमी पत्र को गणेश जी के स्थान पे चढ़ाने के बाद आपके पास 4 शमी पत्र शेष रह जाएंगे। 4 में से 3 शमी पत्र को आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, 5 गणेश जी के स्थान पे, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में जब आप मंदिर से बाहर की ओर आओगे, ठीक है, जब आप मंदिर से बाहर की ओर आ रहे हो, बाहर निकलते समय जो आपका उल्टा हाथ पड़ता है, उल्टा कौन सा, लेफ्ट हैंड, स्क्रीन पे ध्यान से समझ लीजिएगा, मंदिर से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ, वहां पर जो एक शमी पत्र बच गई है उसे आप लेफ्ट वाले स्थान पे जब बाहर निकलोगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ पे रख देना। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक जो आप अपने साथ में लेकर गए, उसे मंदिर के अंदर नहीं जलाना है, ठीक है, दीपक को आप बाहर आके जलाओगे जहां पर आपने शमी पत्र को रखा, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड यानी उल्टी तरफ पे बाहर निकलोगे ना, तो उल्टा तरफ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दीपक जलाएंगे तब आपको वापस से गणेश जी का जो बहुत सुंदर नाम है मोरध्वज, उसका स्मरण करना है। और ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने संकट चतुर्थी, जो चतुर्थी तिथि होती है, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। और गारंटी से एक चीज़ ये भी बोली है कि इस उपाय को करने से अगले साल तक आपका व्यापार चौगुना हो जाएगा। धन वैभव आपके घर में नहीं है, रिद्धि सिद्धि की कमी है, संपदा की कमी है, कष्ट बने हुए घर में, तो आप खुद अगले साल तक अपने घर में उस परिवर्तन को देख पाओगे। बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है, और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश भी करी है। उपाय यदि पसंद आए हों, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भीम, जय माता रानी।